थैंक यू सो मच अनुराग सर मुझे मौका देने के लिए कि आज मैं अपनी बात आप लोगों के साथ में रख सकूं थैंक यू सो मच ऋषि सर जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसने मेरी नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव किया उनकी वैल्यूज के अंदर बदलाव किया आई होप आज सभी आप जो है हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं दोस्त जैसा कि रानू ने बताया कि मुझे सत्रह साल हो गए जब मैं तेईस साल का था तो मेरे राजस्थान के अंदर संगीत का जो है टीचर था और सुबह सुबह जो है बच्चों को हाथ जोड़ के दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना और लोग बच्चों की प्रार्थना करवाना हारमोनियम लेके लोगों की जो है प्रार्थनाएं करवाना उससे पहले एक बिजनेस किया था तो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ तो कहते हैं ना बिजनेस एक ऐसे एक एक सांप के जैसा होता है अगर आप उसको यहां से पकड़ोगे तो चल सकता है पूछ से पकड़ोगे तो डस लेगा मैंने पूछ से पकड़ा और वो मुझे ही डस गया तो अपने पिताजी का तकरीबन पांच से छह लाख रुपए मेरा लॉस में हुआ और उसके बाद मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कहते हैं कि जॉब इज द लास्ट ऑप्शन नॉट फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन था नहीं एक ही जॉब बचा हुआ था तो मैंने जॉब शुरू किया और अपनी जीवन की बातों को मैं चंद लाइनों के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कहते हैं कि हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं कभी धूप कभी छांव, तो कभी बारिश के संग देखे हैं जैसे जैसे ये मौसम बदला हमने अपने ही लोगों के वो बदलते हुए रंग देखे हैं ये उन दिनों की बात है जब हम कभी मायूस हो जाया करते थे और अपनी मासूमियत के गीत जो है वो लोगों को सुनाया करते थे और कभी कभी तो जजबात में आकर हमारे आंसू भी निकल जाया करते थे और मेरे अपने मेरे उन्हीं आंसुओं पर मेरी हंसी भी उड़ाया करते थे तभी मेरे जीवन के अंदर आया जिसने मेरी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया अब तो अब तो हम बुझे हुए लोगों के अंदर आशाओं के बीज बो देते हैं और अगर कभी खुद को भी रोना पड़े तो उन बुरे दिनों को याद करते करते हंसते हंसते रो लेते हैं यह मेरी छोटी सी जिंदगी की कहानी

में एक शब्द सुना एक शब्द उस शब्द के आधार पर ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव हुआ दोस्त वो शब्द क्या है वो शब्द है सिस्टम सिस्टम को अगर हम थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करें तो बोले तरीका सिस्टम तरीका एक परिपाटी एक ट्रैक जिसको हम बोलते हैं ट्रैक बना सिस्टम सिस्टम क्या सिस्टम मतलब तरीका खाने का एक तरीका होता है हम चाहे तो खाना हम ऐसे खाते हैं ना हम चाहे तो खाना ऊपर से लेके अब वो भी खा सकते हैं तरीका तो वो भी है राइट खाने का तरीका बोलने का तरीका अपनी बात को रखने का तरीका कपड़े पहनने का तरीका किसी से प्यार करने का तरीका किसी से नफरत करने का तरीका इंसान जब चलना शुरू हुआ था तो एकदम से चलना नहीं शुरू हुआ वो धीरे 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 डेवलप हुआ और एक सिस्टम डिजाइन हुआ कि चलना कैसे है आगे कैसे बढ़ना है तो एक सिस्टम उसी तरीके से जब सिस्टम रिसॉप जब शुरू हुआ दो के अंदर तो लोगों ने गलतियां करी सबक लिया और धीरे 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 करके एक सिस्टम डिजाइन हुआ दोस्त उस सिस्टम के कहते हैं आगे बढ़ने के दो तरीके हैं पहला तरीका आप खुद गलती करो और खुद सीख जाओ दूसरा हमने जो गलतियां करी उससे आप सबक ले लो और उससे सीख जाओ तो मेरे ख्याल से दूसरा वाला तरीका बेहतर है कि हमने जो गलतियां करी उससे आप सबक ले लो और उससे सीख जाओ क्योंकि जो काम करने में मुझे सत्रह साल लग गए शायद आप उसको सात से आठ साल के अंदर करके दिखा सकते हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ जैसे हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक्स आपके सारे सीनियर अपलाइंस आपके सारे जो अप्लाइंस हैं आपके जो मेंटर्स हैं सभी आप लोगों को फोर बेसिक क्योंकि एक बंदा जब सिस्टम में आता है डी शॉप में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको फोर बेसिक बताते हैं सभी फोर बेसिक बताते हैं राइट फोर बेसिक का भी एक सिस्टम बना हुआ है याद रखिएगा हमारा जो सॉफ्ट है ना सिस्टम जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो बिजनेस चलाता है हमारा जो बिजनेस है वो सिस्टम चलाता है लेकिन सिस्टम को कौन चलाता है सिस्टम को आप और हम चलाते हैं जब आप और हम मिलकर किसी काम को करते सिस्टमेटिक वे से तो वही सिस्टमेटिक वे आपके बिजनेस को रन करता है हम बिजनेस नहीं चलाते हमारा सिस्टम बिजनेस को चलाता है तो हमें सिस्टम को चलाना सही अब हमारे सीनियर्स हमारे अप्लाय हमको फोर बेसिक बताते हैं आपको contact, आपको लिस्ट बिल्डिंग बताते हैं कॉन्टेक्ट इनवाइट बताते हैं प्रेजेंटेशन बताते हैं और फॉलोअप बताते हैं अब मैं आपको ये पूरा फोर बेसिक तो नहीं बता सकता क्योंकि फोर बेसिक पूरा है ही ढाई घंटे का लेकिन मुझे लगता है कि उस फोर बेसिक के अंदर जो मूलभूत जो फंडामेंटल मेन जो चीजें हैं अगर मैं आपको आज वो शेयर करूं तो आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एक परसेंट पांच परसेंट दस परसेंट कुछ न कुछ बढ़ोतरी होने के चांसेस है आप लोगों के अगर आप वो चीज करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको इसके अंदर बिजनेस करने का मौका मिलेगा और हम मैंने ये सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये मैंने खुद ने वो गलतियां करके आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये सारी चीजें मुझे सिखाई गई मेरे अप्लायंस के द्वारा गौरव मैना सर हिदायत सर जिनकी वजह से वो चीज को हमने एक ऐसे डिजाइन करके आगे रख दिया जिससे हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया और वही चीज हमने डुप्लीकेशन डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया दोस्तों तो मैं आपको वो, वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आप लिस्ट भी बनाते हैं तो क्या चीज का ध्यान रखना है आप कॉन्टेक्ट इन्वाइट भी करते हैं तो क्या ध्यान रखना है आप प्लान भी करते हैं तो क्या ध्यान रखना है और मोस्ट ऑफ थिंग्स फॉलो अप फॉलो अप करते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है राइट मैं सबसे पहले आपको एक चीज डिस्कस करूंगा हम लोगों को बताते हैं लिस्ट बनाना है ठीक है मैं सारे सीनियर सप्लाई को तो ये जरूर कहूंगा जब आप अपनी टीम को किसी नए एसोसिएट को लिस्ट बनाने का बोलते हैं तो उसको तीन दिन का अल्टीमेटम जरूर दो दोस्त तीन दिन का क्यों जैसे रानू मेरी टीम में है और मैं रानू को बोलता हूं कि रानू तुमको लिस्ट बनानी है अब होता क्या है कि नया नया बंदा जब ज्वाइन करता है तो वो उस चीज को सीरियस नहीं सीरियस नहीं, नहीं लेता वो सोचता है कि लिस्ट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है कोई मतलब ही नहीं है वो सोचता है सारे नाम मेरे दिमाग के अंदर है राइट लेकिन मैं अगर रानू को कि रानू जो तेरी टीम में काम करने के लिए आ रहा है जो पूरे पैशनेट होके काम कर रहा है तुझे उसके साथ एक चीज डिस्कस करने की भाई साहब अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपके साथ काम होगा अगर लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके साथ काम नहीं होगा अगर आपकी अप्लाई ने आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला है और अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो यह समझ लेना कि आप लोग सीरियस नहीं है दोस्त और अगर आप सीरियस नहीं है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी अपलाइन आपके लिए सीरियस हो जाए दोस्त मेरी बात को ध्यान रखिएगा अगर आपने लिस्ट भी बनाई है कुछ लोगों को पूछता हूं आपने लिस्ट बनाई yes. सर मैंने लिस्ट बनाई बनाई मैंने कितने लोगों की बनाई बनाई सर मैंने 25 लोगों की लिस्ट बनाई। तो मैं कहता हूं अगर तूने पच्चीस लोगों की लिस्ट बनाई है तेरी अगर शादी होगी या तेरी शादी हो चुकी होगी तो क्या तूने सिर्फ पच्चीस लोगों को इन्वाइट किया था बोले नहीं सर कितने आए थे शादी में सर शादी में पांच लोग आए थे तो शादी के लिए पांच लोग और जिंदगी बदलने के लिए डी सॉप के अंदर पच्चीस लोगों की लिस्ट बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है अपनी कामयाबी के लिए तो आपको लिस्ट बनानी है और अगर आपने अपनी अपलाइन को बोल दिया कि सर मैंने लिस्ट बना दी है तो फिर याद रखना कि आपको जो बोला गया आपने लिस्ट बनाई और अगर आपने लिस्ट बनाई तो आपकी अपलाइन को लग जाएगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है इसको जो बताया जा रहा है वो कर रहा है और अगर ये सीरियस है तो फिर मैं इसके लिए उससे ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा मतलब मैंने रानू को बोला लिस्ट बना और रानू ने दो तीन दिन के अंदर पूरा बड़ा लिस्ट बना दिया और तो मुझे पता चल जाएगा कि रानू अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है और रानू अगर अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है तो मैं इसके लिए उससे ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा दोस्त सबसे पहला लिस्ट को मैंने बहुत सारे लोगों को डी शॉप के अंदर फेल होते हुए देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों को डी शॉप में पास भी होते हुए देखा जो लोग फेल हो जाते हैं जो लोग डी शॉप में फेल हो जाते हैं उनका सबसे बड़ा कॉमन रीजन यही होता है कि वो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं दोस्त तो आप इस लिस्ट को हल्के में मत लीजिएगा आप इस लिस्ट को पूरा सीरियसली लीजिएगा और ये लिस्ट बनानी कितनी बार पड़ती है एक बार सिर्फ एक बार बनानी पड़ती है बाद में तो अपडेट होती रहती है जैसे जैसे नए लोग मिलते हैं आप उसको ऐड करते जाते हो तो आपको लिस्ट एक बार बनानी है तो इस एक बार बनाकर इसको खत्म करो दो एक चीज मैं आपको बता दू आप कितने ही मोटिवेट हो आपने कितनी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग अटेंड कर ली आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली लेकिन के अगर ये चार स्तंभ जो है जो फोर बेसिक के चार स्तंभ है इसमें अगर आपने कहीं पे कमी रखी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। आप कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये जो चार चीजें हैं ए बी सी डी ये जो लिस्ट बिल्डिंग कॉन्टेक्ट इन माई प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली दोस्तों आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है यही चार स्तंभ आपको उस मुकाम पर ले जाते हैं जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं दोस्त और दूसरा जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कई बार हम सोचते हैं ना मैं अब जब मैं लिस्ट बनाता था तो मैं कई बार जब किसी बंदे की लिस्ट बनाता था ना तो मैं उसको प्री जज करता था प्री जज यानी कई बार हम लिस्ट बनाते हो सोचते यार ये बंदा कैलाश भाटी या कोई नाम सोच लू मैं कि यार ये बंदा अगर वो आ गया ना तो मेरा पूरा मार्केट खड़ा हो जाएगा और यकीन करिए जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो आएगा और पूरा तूफान आ जाएगा तो आप यकीन करिए हवा भी नहीं आती और हम जिनके बारे में ये सोचते हैं लिस्ट बनाते बनाते यार वो तो नहीं करेगा वो तो इतना नहीं है तो आप यकीन करिए आप उसका लिस्ट में नाम नहीं डालते हो लेकिन वो बंदा अगर वाकई में आ जाता ना है तो सबसे बड़ा काम वही खड़ा करके दिखाता है मतलब आपका काम है उसको प्रेजेंटेशन दिखाना लिस्ट बनाई और उसको प्रेजेंटेशन दिखाना करना या नहीं करना ये वो डिसाइड करेगा आप डिसाइड नहीं करोगे तो ये चीज आपको मुझे पता आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानकारी है लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात बोल के इस पर स्टैम लगाना चाहता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिएगा कई बार होता है ना जब हमारी अप्लाई हमको बार बार कोई एक चीज बोल रही होती है तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं तैयारी तो यही बोलते रहते हैं पर नहीं दोस्त ये सबसे पहली शर्त है आपके फो बेसिक के अंदर पहला लिस्ट बनाने की कॉमर्स की कहावत है पहले लिखो और फिर करो समझ में ना आए तो कागज से लो और फिर करो तो आपका जो लिखने वाला काम जो होगा ना वो आपको बहुत ज्यादा आगे प्रमोट करेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो आज आप जिन आपकी टीम ने लिस्ट नहीं बनाई है उनमें सबसे पहला काम आज की डेट के अंदर रात को सोने से पहले लिस्ट पे काम करना है तो ये एक चीज थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी लेकिन दूसरी चीज जो कॉन्टैक्ट इन्वाइट आप लोगों को करते हैं आपके सीनियर अप्लाई ने आपको जिस तरीके से भी बताया कॉन्टैक्ट इन्वाइट करते समय कुछ शब्द बताए होंगे कि आपको इस तरीके से लोगों से बात करनी है इस तरीके से आपको लोगों को आगे इन्वाइट करना है उस कॉन्टैक्ट इनवाइट को बात करते हुए इस चीजों का स्पेशल आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तीन चीजें जो हम अमूमन करते हैं जैसे आप किसी को बैगिंग अप्रोच नहीं कर रहे हैं दोस्त जब आप किसी को डी सॉप के बारे में बात करते हैं कुछ लोग डी शॉप ज्वाइन करने पर ऐसे हो जाते हैं बस जैसे मैं आज ज्वाइन हुआ और कल का कल करोड़पति बन जाओ तो ये तो संभव नहीं है ना दोस्त ये कोई लॉटरी का टिकट तो है नहीं राइट एक प्रोसेस लेता एक कक्षा पास करने के लिए भी हमें एक साल लग जाता है दोस्त तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस है एक सिस्टम है एक तरीका है उसमें आपको बैगिंग अप्रोच नहीं करनी कई बार लोग जो है तू सुन तो ले तू देख तो ले अच्छा तुझे तो अच्छा लगे तो करना नहीं तो मत करना अच्छा देखने में क्या जाता है इस तरीके की जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बैगिंग अप्रोच में जाती है दोस्तों याद रखना ये दुनिया उल्टी भागती है कैसे उल्टी भागती है आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे दस कदम दूर भागेगा दोस्तों

ये देखिए कि वो उसके सुनने का मूड ही नहीं है तो आप उसको कितना भी उसको करके कोई भी अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला होगा वो नहीं करेगा लेकिन अगर वो लिस्निंग मोड के अंदर है तो एक छोटा सा बच्चा भी जिसको प्लान आता होगा ना वो उसको प्लान करेगा उसको सीधा समझ में आ जाएगा कुछ तो ये चीज नहीं करनी है तो कॉन्टेक्ट इन्वाइट करते समय एक चीज जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आप जो बोल रहे हो बी शॉप के बारे में उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हो या जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट कैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जैसे आप मेरे पड़ोस में रहते हैं ठीक है और मैं आपको एक मूवी आपने देखा होगा शोले पिक्चर शोले ठीक है और आपको मैं शोले पिक्चर दिखाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप अपने घर से निकले और शोले पिक्चर देखने के लिए जाएं अब मैं, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं मैं बाहर से मैं पिक्चर देख के आ रहा था आप मुझे पूछते हो सर आप कहां से आ रहे हो मैं कहता हूं मैंने एक पिक्चर देख के आ रहा हूं आप कहते हो कौन सी मैं कहता हूं शोले आप मुझे पूछते हो कैसी लगी मैंने कहा बहुत अच्छी लगी उसमें जो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन बताए है उसमें वो सिक्का उचालते वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा और बीच में ना वो धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ जाता है तो वो सीन मुझे ना बहुत अच्छा लगा और लास्ट में ना अमिताभ बच्चन मर जाता है उस पिक्चर के अंदर तो मर जाता है ना तो वो भी सीन मुझे अच्छा लगा तो ओवरऑल मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी और ये कह के मैं अपने घर चला जाता हूँ अब मुझे नहीं पता कि इस तरीके से बात करने से आप वो पिक्चर देखने जाओगे या नहीं जाओगे मुझे नहीं पता लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के अंदर एक्साइटमेंट डाल दी जाए तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा हम इस सीन को दोबारा रिक्रिएट करते हैं कैसे मैं आ रहा था आप मुझे पूछते हो अरे सर कहां से आ रहे हो मैं कहता हूं यार क्या पिक्चर देख के आ रहा हूं पहले दोनों में फर्क है एक्साइटमेंट का कंटेंट दिया लेकिन कंटेंट के अंदर एक्साइटमेंट डाला यार क्या पिक्चर देख के आ रहा हूं कौन सी शोले पहले मैंने क्या बोला था शोले अब क्या बोला शोले पहले के शोले के अंदर शोले नहीं थे लेकिन अब के शोले के अंदर मैंने शोले भर भर के डाल दिए शोले क्या बात कर रहा कैसी पिक्चर है यार अगर तूने ये पिक्चर नहीं देखी ना तो तूने जिंदगी में कुछ नहीं देखा मतलब मैंने उसका जीना आराम कर दिया कि अगर उसने शोले नहीं देखी तो तेरा जीना ही बेकार है कौन सी पिक्चर शोले अगर तूने ये पिक्चर नहीं देखी ना तो आज तक कुछ नहीं देखा यार क्या पिक्चर है धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन बात बात पे सिक्का उछालते हैं क्या मूवी सीन और यार बीच में ना धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ जाता वो टंकी पे चढ़ जाता क्या सीन पैसा तो वही वसूल हो गया और लास्ट में ना अमिताभ बच्चन मर जाता है मैंने यार पूरे हॉल को ना रुमाल से आंसू साफ करते हुए यार क्या जबरदस्त मूवी यार अब ये बोल के मैं चला जाता हूं घर पे अब आप पिक्चर देखने जाओगे कि नहीं जाओगे इसको आपको तय करना है जब आप किसी के कर... अगर सामने वाला बोलता है मैंने तो ऐसी बहुत पिक्चरें देखी है बोलो तूने बहुत पिक्चरें देखी होगी लेकिन मैं जो देख के आया हूं ना नाम बदल देना मेरा अब यही चीज तो हमारे डील के प्लान के ऊपर रखी है कोई आपको कहता है मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है भाई तूने बहुत कंपनी देखी होगी लेकिन मैं जो देख के आया ना भाई मेरा नाम बदल देना अब वो नाम थोड़ी बदल देगा दोस्त मेरी बात को समझेगा आपको ईड का जवाब पत्थर से देना ही है उस मार्केट के अंदर वो बोलता है मैंने दुनिया देखी मैंने बहुत कुछ देखा मैंने ये किया आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा कि भैया मैं जो देख के आया हूं ना भाई जबरदस्त तो कहने का मतलब एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट तीसरी चीज एक जो लोग अक्सर गलती करते हैं क्या गलती करते हैं मैंने आपको कहा कि प्लान जो है लेकिन सामने वाले का सुनना इंपॉर्टेंट है राइट अब अगर मैं जो प्लान कर रहा है उसको identify नहीं करूंगा तो वो बंदा उसको सुनेगा नहीं दोस्त कैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मान लो रानू जो है रानू जो है मैं पुणे से बात कर रहा हूं अभी तो और रानू भी पुणे में रहता है और मैं मुझे पता है कि रानू जो है वो पुणे का बहुत बड़ा डॉक्टर है ठीक है रानू पुणे का बहुत बड़ा डॉक्टर है तो मैं रानू को प्लान दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या किया या तो मैं रानू को अपनी अपलाइन के पास लेके जाऊंगा या अपलाइन को मैं रानू के पास लेके जाऊंगा अब मैं क्या कर रहा हूं गलती मैंने जैसे अपने अपलाइन को रानू से मिलवाया तो मैं रानू के सामने जो रानू बहुत बड़ा डॉक्टर है पुणे का रानू के सामने उसको बोल रहा हूं सर ये ना सर पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर है सर सर अगर ये आ गए ना सर तो पूरा पुणे आ जाएगा सर सर प्लीज आप थोड़ा सा बताइए अब देखिए रानू जिसको मुझे ज्वाइन करवाना है उसको मैंने बढ़ा दिया बड़ा और जो स्पीकर है जो प्लान करने वाला है उसको बना दिया मैंने छोटा अब आप बताइए क्या रानू जो मेरे अपलाइन है जो इनको प्लान करने वाला है क्या उनको वो सुनेगा नहीं सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने गेस्ट को तो बना दिया बड़ा और अपलाइन को बना दिया छोटा काम को बना दिया छोटा अगर हम काम को छोटा बड़ा बनाएंगे और गेस्ट को बड़ा बना दिया तो बड़ा आदमी छोटे काम को कैसे करेगा दोस्त वो नहीं करेगा वो सुनेगा नहीं वो रानू उनको ये बोलेगा भैया मेरे पास दस मिनट का टाइम है मुझे जल्दी बता दो मेरे को निकलना कहीं पे वो लिस्टिंग मोड में है ही नहीं क्यों क्योंकि मैंने रानू को ये एहसास करवा दिया कि सर आप आओगे ड्यू शॉप में तो ही हमारा काम चलेगा अगर आप नहीं करोगे तो हमें बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा मतलब मैंने काम को कर दिया छोटा आदमी को कर दिया बड़ा तो अगर आदमी बड़ा है काम को छोटा कर दिया तो वो छोटे काम को कैसे करेगा कॉमर्स की एक लाइन है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें तो क्या कहा गया आप काम को बड़ा करो काम आपको बड़ा कर देगा दोस्त। हमें सिस्टम को बड़ा करना है ड्यू ड्यूसॉफ को बड़ा करना है ड्यू ड्यूसॉफ आपको बड़ा कर देगा दोस्त मैं बजाय रानू की तारीफ करने से पहले मैं रानू के कान के अंदर पहली एक चीज दिमाग में डाल दूंगा कि रानू मैं जिस सीनियर मैं जिस सर से तुमको मिलवाने जा रहा हूं ना तू उसकी एज मत देखना यार उसका एक्सपीरियंस देखना क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है यार तुम उनका वो प्रोजेक्ट प्रॉपर वे से ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हें भी उनको सुनने का पूरा बेनिफिट मिलेगा मैंने अब जैसे मेरी अपलाइन रानू के सामने आएगी तो रानू के दिमाग में चूंकि मैंने चीज डाली हुई है रानू क्या सोचेगा अच्छा जो कैलाश जो कह रहा था कि यही बंदा है अच्छा ये इसी के पास नॉलेज है यही बोला अब वो उसको अटेंड करेगा लिसनिंग मोड में लेके जाएगा और जब वो प्लान करेंगे तो इतना बड़ा डॉक्टर भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है दोस्त कहने का मतलब ऑलवेज आइडेंटिफाई द स्पीकर नेवर टू गेस जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि उसको जिसको आप प्लान करवाने जा रहे क्लियर एक चीज और जो अब ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया कि आपको कॉन्टेक्ट इन्वाइट करते समय ये ध्यान रखना है क्योंकि जो चीज आपको बताई गई है वो आप कर ही रहे हो लेकिन ये छोटी छोटी चीज है कहते हैं कि इंसान वो बड़ा नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें समझे इंसान वो बड़ा होता है जो छोटी छोटी बातों को समझे और सुने और उसको इंप्लीमेंट करे तो उसका पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है दोस्त तो कांटेक्ट इनवाइट करते समय ये जरूर ध्यान रखें ऑलवेज एडिफाई द स्पीकर नेवर टू गैस और एक्साइटमेंट आपकी आपका बात करने का जो तरीका होगा आपकी आंखों की चमक अगर आप उंगली को ऐसे करके करके कर रहे हो कि मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन की है आप प्लीज आइए तो अगर आपने छोटी सी कंपनी ज्वाइन की है अगर आपको खुद कोई वो चीज अपने अंदर नहीं है तो आप कैसे करोगे दोस्त आप जो भी बात करें स्ट्रेट उसकी आंखों में आंखें डार बात करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और एक्साइटमेंट के साथ बात करें कॉन्टेक्ट में यही है आज मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मैंने बहुत कंपनी देखी आप सीधा उससे बात करो भाई मुझे पालो में बहुत मैं भी ऐसे सोचता था कि मैंने बहुत कंपनी देखी लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तब तो मुझे लगा नहीं यार इट इज डिफरेंट सिस्टम तू एक बार देख फिर फिर देखने के बाद बात करेंगे तो जब आप उसकी बातों का जवाब देंगे उसको प्लस बात करेंगे तो वो आपकी बात को सुनने के लिए आएगा कि चलो देख लेते हैं ऐसा क्या कह रहा है और सिंपल सी बात है यू सॉफ्ट का जो प्लान है जो सिस्टम है जो बंदा एक बार देखेगा तो हिल्ल तो है ही है राइट अब मैं आपको चीज बताता हूं दैट इज शो द प्लान एक चीज आप नोट कर लीजिए दोस्त कि हमारा जो वर्क है अगर मैंने आज सत्रह साल के अंदर इस सिस्टम के अंदर यहां तक अपने लेवल को हासिल किया है तो सिंपल सी बात है प्लान तो किए होंगे आप यकीन करिए मैंने हजारों प्लान किए दोस्त ग्राउंड के अंदर हजारों प्लान किए और प्लान करते 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 जो मैंने अपना अनुभव एक ईजाद किया तो मुझे एक चीज समझ में आई दोस्त कैसे आप हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है एक तरीके से देखा जाए तो हनुमान चालीसा कैसा आपके सारे सीरियल अप्लाइंग जब प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं बस जैसे बटन स्टार्ट किया हो और थर 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 हो प्रेजेंटेशन पूरा हो गया सही है एक ही तरह का प्रेजेंटेशन होता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना जब भी आप प्लान करते हैं जो बंदा प्लान कर रहा है उसके लिए स्पेशल ये चीज है कि आपके प्लान करने से पहले दस मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त दस मिनट प्लान करने से पहले आपने जब प्लान शुरू किया अब आप जिस बंदे को प्लान कर रहे हैं तो अफकोर्स आपकी टीम का किसी का प्लान है जिस बंदे को आप प्लान कर रहे हो वो आप उसको नहीं जानते और वो भी आपको पहली बार मिल रहा है राइट अब हम जब पहली बार अनजान लोगों से मिलते हैं वन, वन मिलते हैं तो हम सामने वाला अंग, अब के अंदर तो हम तो भाई वन माइल करके तो पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में ये चीज नहीं है जब एक पहली बार बंदा आपके साथ मिल रहा होता है तो वो हेजिटेशन फील करता है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता या फिर उसको नई शक्ल देख के उसको अच्छा भी नहीं लगता हो ध्यान रखिएगा एक कन्वर्सेशन में आपको बताता हूं प्लान करने से पहले अगर आप ये करेंगे दोस्त मैंने पुणे के अंदर यह जो चीज की है मुझे उसका इतना बड़ा रिजल्ट मिला ना इतना बड़ा रिजल्ट क्योंकि मेरे को तो पुणे में जब काम करता था तो मेरे को तो इंग्लिश में नहीं आती थी और यहां पे लग जो भले वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बातें वो इंग्लिश में शुरू करता है तो हमें बड़ा थोड़ा अटपटा सा लगता था तो मुझे यह लगता था कि इनको किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूं कि मेरी मेरे प्रेजेंटेशन को पूरा सुने तो वो अनुभव जो मैंने किया मैं आपके साथ कोशिश करता हूं कि क्या वो इंपॉर्टेंस था और जिसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला प्लान शुरू करने से पहले अब मान लो रानू मेरे सामने मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाकर करने की कोशिश करता हूं अब रानू है मेरा एक टीम मेट था जो रानू को लेकर आया और रानू को अब मुझे मुझे प्लान करना तो मैं शेक करके बैठूंगा बातचीत होगी आपकी अब आप क्या करते हैं गुड मॉर्निंग सर आई हेलो करते हैं उसके साथ में yes. ध्यान रखिए पहले दस मिनट के अंदर पहले पांच मिनट के अंदर रानू से बुलवाइए मैं चाहूं कि प्रेजेंटेशन मुझे करना है लेकिन रानू को पहले मैं बुलवाऊंगा इसको हेजिटेशन होने से उसको खोलूंगा मुझसे बात करते हुए हेजिटेट ना करे वो बात करे मेरे से तो बात करते करते क्या करूंगा देखिए लोगों को ना बोलना पसंद है सुनना पसंद नहीं है ध्यान रखना और उस पर यह कि एक अनजान बंदा अनजान बंदे को कैसे एक घंटा सोने का भाई आपका प्लान आधा घंटा पौने घंटे का तो होता है ना तो आपके आधे पौने घंटे का प्लान वो सामने वाला क्यों सुने उसको सुनने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जैसे रानू मेरे सामने बैठा मुझे रानू पहली बार मिल रहा है अब रानू को प्लान करते हुए मैं पहले शुरुआत प्लान को साइड में कर दो थो थोड़ी देर के लिए एक पांच दस मिनट का कन्वर्सेशन करो जी सर क्या नाम है आपका देखा रानू कुशवा ग्रेट रानू जी का क्या करते हैं आप रानू मुझसे अब रानू बोल रहे हैं मैं ये पढ़ाई करता हूं बंदा जो भी बोले आप बोलो बहुत अच्छी बात है क्या कर रहे हैं एमबीए कर रहे हो वाह ग्रेट बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है प्रॉपर कहां से बिलोंग करते हो रानू आप मैं उसके कहां से बिलोंग करता है वो पूछूंगा मतलब चार पांच साल ऐसे कवाल करते हो वो कहता मैं भी जो है भोपाल से बिलोंग करता हूँ अच्छा भोपाल भोपाल एमपी में आया ना हाँ राइट राइट भोपाल एमपी ने कहता मतलब जो जो आपको तो मौका मिले उससे उसके इंटरेक्ट करने का उससे बातचीत करो उसके मुंह से बुलवाओ वो बात और जब सामने वाला बंदा बोलता है तो वो खुल जाता है आपके साथ में कि यार ये बंदा मेरे बारे में जानकारी ले रहा है तो पूरा उसके साथ पूरा करने के बाद में कि आपने ये चार पांच सवाल कर दिए अब मेरी बारी अब मेरी बारी भी मैं कैसे स्टार्ट करूंगा चार पांच चीजें रानू से पूछने के बाद अब मैं रानू को बोलूंगा कि रानू जी मैंने आपके बारे में इतना सब कुछ पूछा है अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता तो। हूं मेरा नाम कैलाश भाटी है मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूं और जो प्रोजेक्ट मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं उस प्रोजेक्ट में काम करते हुए मुझे सत्रह साल हो गए अगर आपको दो साल हो गए तो आप दो साल बोलो कि मुझे प्रोजेक्ट में काम करते दो साल हो गए और इस दो साल के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया हो सकता है ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव लेके आ सकता है आप इसको कॉपी पेस्ट करिए दोस्त बहुत ही फर्क पड़ेगा उसका कि हो सकता है जो प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आया वो प्रोजेक्ट आपके जीवन के अंदर भी बदलाव लेके आए ठीक है थीके? अब वो प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब पहले आप उसको पूरा सुन लेंगे आप पहले पूरा प्रोजेक्ट को देखिए पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आ सकता है तो आप और हम मिलकर शुरू करेंगे और अगर आपको लगे ठीक का है क्या बोला प्रोजेक्ट है मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आया आपकी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ सकता है लेकिन वो प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप उसको सुनोगे तो रानू के दिमाग में यहां कि अच्छा मुझे सुनना है और फिर मुझे डिसाइड करना है मेरे लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता तो क्या हुआ जब मैं इसको रानू को रानु भी शुरू करें जब मैंने बोला कि आपके आपके ये प्रोजेक्ट आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है या नहीं आ सकता है या तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप इसको पूरा वैसे सुनेंगे राइट तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देता हूं पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद में आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप मैं बैठा हूं हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको लगे कि इसको किया जा सकता है तो मिलकर करेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो शुरू करे रानू ये लाइन आपको जरूर बोले तो शुरू करे रानू तो सामने से सा आपको रिस्पॉन्स तो तो बोलेगा शुरू करते मतलब वो प्रिपेयर हो गया सुनने के लिए दोस्त तो। उसको मैंने एक हाईलाइट भी कर दिया कि जो भी सवाल होगा लास्ट में क्लियर कर दूंगा सब कुछ बता दिया उसको तो उसका काम अब सुनने का हो गया मतलब ये कि जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो पांच से दस मिनट का कन्वर्सेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसके साथ खुल के बात करें और इस तरीके से बात करें कि वो भी ओपन हो जाए आपके प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सुनने के लिए दोस्त और जब ये करेंगे तो सामने वाला पूरा प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर वे से सुनेगा दोस्त राइट और लास्ट में जब उसको आपने बोला था सवाल जवाब का तो सवाल भी करेगा और सिंपल सी बात है याद रखेगा जो सवाल करता है वो इंटरेस्टेड होता है सवाल करेगा मैं उसको क्लियर करूंगा और उस तरीके से मैं उसको बताऊंगा उसको यह भी बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में कि यार मैं आपको जो शेयर करना हो रहा, एक आइडिया शेयर करने जा रहा हूं और हो सकता है यह आइडिया आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव लेके आए तो यह आइडिया आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकता है या नहीं आ सकता या तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप इसको प्रॉपर वे से एक बार सुनेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देता हूं ठीक है तो इस तरीके से आपने बात एक प्लेटफॉर्म बनाया वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में फिर आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया दूसरी चीज दोस्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कई बार देखता हूं एक बंदा प्लान यह कर रहा है और वो दस फुट सामने खड़ा है जिसको सुनाई जिसको सुनाना है वो दस फुट खड़ा है मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लान को भी ना आप एज अ काउंसलिंग करें दोस्त काउंसलिंग मतलब जब एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो मरीज दूर नहीं खड़ा होता वो मरीज उसके सामने बैठा हुआ होता है एकदम आमने सामने अगर एक बंदे का प्लान हो रहा है तो आप जो कॉपी पे प्लान कर रहे हो या लैपटॉप पे प्लान कर रहे हो तो आपके अंदर जो दूरियां हैं वो कम होनी चाहिए दोस्त जितना आपके साथ उस नजदीक टेबल बीच में आता है वो तो जितना आपके साथ नजदीक बैठेगा जितना आंखों में आके डाल के प्लान करेगा उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा अगर चार पांच लोग हैं तो टेबल के अंदर चारों तरफ उनको बिठाओ आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो चार लोगों को सिटिंग नजदीक लाओ पूरा पहले ये सेटअप करो उसके बाद आप प्लान शुरू करो अरवाइज हम चार पांच लोग प्लान करते हैं एक उत्तर में बैठा है एक दक्षिण में बैठा है पूर्व में बैठा है पश्चिम में बैठा है आगे को समझ नहीं आ रहा है एक उबासी ले रहा है वो प्लान... और वो बोले जा रहा है हनुमान चालीस तो कोई फायदा नहीं है दोस्त आप पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से देखो तीसरा जब प्लान चल रहा हो दोस्त तो एक चीज का ध्यान रखेगा दोस्त जो भी मेरे दोस्त जिनको अभी तक प्लान नहीं आता जिनको भी प्लान नहीं आता ऑफकोर्स आज नहीं तो कल उनको प्लान करना ही करना है

अपलाइन के सामने बिठाने के बाद में मैं अपने गेस्ट को भूल जाता था और मैं बैठ वहां बैठ के ऐसे प्लान सुनता था जैसे मैं पहली बार प्लान सुन रहा हूं फर्स्ट टाइम प्लान सुन रहा हूं मैं right? राइट अब मैं दो चीजें नोट करता था पहले कि जो गेस्ट आया है वो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्या सवाल कर रहा है उस सवाल को नोट करता था और उस सवाल का जवाब मेरे अपलाइन ने कैसे दिया वो नोट करता था दोस्तों और यही दो चीजें आपको परफेक्ट प्लानर बना देती है परफेक्ट प्लानर एक बंदा मुझे मिला था वो मुझे कहता है कि सर मुझे ना सवालों के जवाब नहीं दिए जाते मतलब मुझे डर लगता है कि उसने सवाल पूछ लिए तो आप यकीन करिए दोस्त मुझे सत्रह साल हो गए और सत्रह साल के अंदर जो गेस्ट आपको सवाल करता है ना वो गिने चुने सोलह सवाल है गिने चुने सोलह सवाल आज तक मैं सत्रह सवाल का वेट कर रहा हूं कि कोई मुझे पूछे तो मैं थोड़ा सा स्टडी कर लू है ही नहीं गिने चुने सोलह पंद्रह से सोलह सवाल है जो बंदा पूछता है आपको उन पंद्रह सोलह सवालों की अगर आपने उसको सीख लिया तो आप जितना मर्जी बंदों को प्लान दिखा रहे हो तो आपको प्लान सीखना है तो आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर और जिन लोगों को ये सोचते हैं कि यार मुझे सर मुझे ना प्लान करने में थोड़ी दिक्कत होती मुझे प्लान नहीं आता मैं आप सबको एक चीज का ध्यान रखना दोस्त आपको प्लान पे आना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पे आपको आना पड़ेगा क्योंकि जितने ज्यादा टीम के अंदर प्लानर क्रिएट होंगे आपका काम उतना बड़ा होगा दोस्त आप क्यों कर रहे हैं दोस्त सारी जिंदगी इसी तरीके से काम करने के लिए या अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो अपने ऐसे डुप्लीकेट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और डुप्लीकेशन में सबसे पहली चीज होती है प्लान प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वो अब आपको सीखने के लिए सिंपल सा मैं आपको सवाल पूछता हूं जितने भी लोग जिनको प्लान करने में हिचकिचाहट है या वो लोग सोचते हैं कि यार मुझे प्लान नहीं आता मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए आज रात को आप सो रहे हैं और आप किसी देवी देवता में यकीन करते हैं मान लीजिए आप लक्ष्मी माता में यकीन करते हैं अब आप आप लक्ष्मी माता के बहुत बड़े भक्त हैं ठीक है अब आप रात को सो रहे थे सोते सोते रात को एक सपना आया किनका लक्ष्मी माता का लक्ष्मी माता ने सपने में क्या बोला कि बेटा अगर तूने मेरी लक्ष्मी स्तुति याद कर ली एक महीने में एक महीने में मेरी लक्ष्मी स्तुति याद कर ली तो एक महीने बाद जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा ये लक्ष्मी माता ने सपने में आके बोला अब सुबह आप उठे अब चुपकि आप लक्ष्मी माता में बहुत यकीन करते थे तो जैसे आपने उठे आपको लगा यार लक्ष्मी माता का मुझे आया सपना आया तो लक्ष्मी माता ने कहा है कि मुझे जो है लक्ष्मी स्तुति याद करनी है और अगर वो याद कर दूंगा कंठस तो मुझे जो है आ, मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी अब आपको लक्ष्मी स्तुति आती नहीं और दूसरी वो संस्कृत भाषा में अब आपने लक्ष्मी स्तुति खरीदी और उसको पढ़ना शुरू किया देखते आपको लगा अरे बापरी तो संस्कृत में कैसे याद करूंगी मैं लेकिन चूंकि लक्ष्मी जी बोल के गई थी तो आप फटाफट क्या करोगे उसे याद करोगे जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी बसि व्यापक रूपे रूपल सूक्ष्मी करवीरपुर वासिनी सुरपुर मुनिमाता पुरहुर्दाय कांता कमलाकार जटेरी जन्म विलाधाता आप उसको धीरे 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 पढ़ना शुरू कर करेगा पढ़ना शुरू कर एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन दस दिन और एक महीने के अंदर अंदर आपने लक्ष्मी स्तुति को कंटस्त कर लिया कि बिना देखे आप उसको बोल सकते हैं अब सिंपल सही बात है लक्ष्मी माता सपने में आई थी आपने उसके बेस पे लक्ष्मी स्तुति याद कर ली याद करने के बाद आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे मेरा उसमें कोई रोल नहीं है वो लक्ष्मी माता जानते हैं लेकिन मैं आपको बोल देता हूं दोस्त आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी लक्ष्मी स्तुति ही है दोस्त लक्ष्मी स्तुति है वो आप एक बार दो बार चार बार पांच बार दस बार बीस बार एक बार 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 करेंगे ना तो वो प्रेजेंटेशन जो कि लक्ष्मी मंत्र है वो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि एक महीने बाद मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पूरी कर ली तो फिर आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता ये मैं आपको कह सकता हूं दोस्त तो आपको सबसे पहले दोस्त ये प्रेजेंटेशन जो है ना हम जब एबीसीडी बच्चे थे बच्चों को एबीसीडी कितना मुश्किल लगता है लेकिन आज हम एबीसीडी या एबीसीडीएस फटाफट बोल देते हैं क्यों कोई भी चीज पहली बार में हमें डिफिकल्ट लगती है लेकिन किसी भी चीज को हम बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार करते हैं तो हम उस काम के अंदर मास्टर हो जाते हैं दोस्तों तो आपको जो है अपने प्लान के अंदर परफेक्शन लाने के लिए उसको बार बार करना है दोस्त और एक बार प्लान के अंदर आप आ गए देखिए जब आपके कोई गेस्ट होते जिनको प्लान नहीं आता जब आपको प्लान करना होता है तो आप अपने सीनियर को बुलाते हो प्लान करवाने के लिए तो आपका सीनियर आता है तो प्लान होता है अगर सीनियर नहीं आता तो प्लान नहीं होता इसका मतलब आपकी दुकान की चाबी आपके सीनियर के पास में है दोस्त तो फिर चाबी अगर सीनियर के पास में है तो दुकान किसकी हुई सीनियर की तो पैसा भी उसी को आएगा यह चाबी फटाफट आपको ले लेनी है कि जब आपको प्लान करना पड़े तो आपको किसी का इंतजार ना करना पड़े आपके पास वो लक्ष्य मंत्र हो और आप प्लान कर सके अगर प्लान आपको आता है तो इसका मतलब उस दुकान की चाबी आपके पास में है और दुकान की चाबी आपके पास में तो इसका मतलब दुकान आपकी है आप किसी भी कोने में जाकर इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है दोस्त तो। हमने सारी जिंदगी बड़े बड़े बाबर हुमायूं थीटा थीटा इतना सब कुछ बड़ा है तो प्रेजेंटेशन इज नथिंग दोस्त बहुत इजी प्रेजेंटेशन है जिसको आप कर सकते हैं तो तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्लान चल रहा होता है सबसे ज्यादा सीखने का मौका जो होता है ना आपके अपलाइन और गेस्ट का जब प्लान चल रहा होता है वो सबसे ज्यादा सीखने का जो है टाइम होता है एक टाइम पीरियड होता है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं और जब आपको लगे थोड़ा बहुत कि मैं कर सकता हूं प्लान तो फिर आप अपने घर में किसी को भी या कई लिस्ट के अंदर ऐसी होती है जिनकी शकलों पे लिखा हुआ है कि वो नहीं करेगा उसके साथ में बैठो और प्लान करना शुरू कर दो प्रैक्टिस करो उसके साथ में दोस्त दो तीन चार बार करने के बाद में और यकीन करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दवा करता हूं आपका प्लान आपके अपलाई से ज्यादा होगा दोस्त उससे ज्यादा बढ़िया प्लान होगा तो आप जो है ये जरूर चीज को नोट करें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्त कि एक प्लान करते समय जो नए लोग हैं जो प्लान करवा रहे हैं मैं उनको मैं बताना चाहूंगा कई बार क्योंकि देखिए हम लोग एक सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं हमारा काम एक प्रोफेशनलिज्म का है राइट पीछे लिखा हो ना थिंक बिग बट वर्क स्मार्ट अब बड़ी तो सोच आप सभी रखते ही है लेकिन उसके अंदर स्मार्टनेस आएंगी वर्कनेस में तो भी आप रीच हायर आप ऊपर पहुंचेंगे तो थिंक बिग के साथ साथ में वर्क स्मार्ट भी करना है दोस्त कई सारे, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि जब प्लान चल रहा होता है अब मान लीजिए मैं मैं नया नया शॉप में ज्वाइन हुआ हूं ठीक है और मेरी अपलाइन रानू है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अब मेरी अपलाइन रानू है मैं गेस्ट को लेके गया रानू के पास में और मैं चाहता हूं कि रानू सर इनको प्लान करें अब रानू सर मेरे गेस्ट को प्लान कर रहे हैं और मैं अपने गेस्ट की जब प्लान चल रहा होता है तो मैं उसकी शक्ल देख रहा होता हूं उसकी शक्ल को देख रहा होता हूं क्या देख रहा होता हूं ये महसूस कर रहा होता हूँ कि यार्लान रानू सर करता हूं देख रहा हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है तो मैं क्या करूंगा रानू को साइड में करके मैं खुद ही बात करना शुरू कर लूंगा चल मेरे से बात कर मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको एक ही दिन के अंदर करोड़पति बनना है दोस्त तो मैं आपको सीधा कहता हूं जब आपका गेस्ट

स्टूडेंट्स के प्लान होता है फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है बच्चा सेकंड ईयर में पढ़ रहा है थर्ड ईयर में पढ़ रहा है जो अपना इनकम सोर्स कमाता नहीं है दोस्त आप एक चीज उसके अंदर जरूर इन्वॉल्व करो आपको रिजल्ट आएगा कैसे मान लो रानू जो है रानू जो है, रानू जो है फर्स्ट ईयर का बच्चा है और मुझे रानू को प्लान करना है मैं रानू को अकेले में पूरा प्लान करूंगा रानू को समझ में भी आ जाएगा लेकिन ये समझ में आने के बाद आपको पता होगा ज्यादा क्या होता है वो अपने मम्मी के पापा के पास जाता है और वो शॉर्ट नॉलेज हो जाती है और काम खत्म हो जाता है बात नहीं बनती अगर मैं रानू के घर में गया हूं ये मोस्टली चीज आपके उसके घर के अंदर इंप्लीमेंट होगी अगर मैं रानू के घर पे, घर पे पे गया हूं तो मैं रानू को एक बोलूंगा कि रानू आपके घर में मम्मी मम्मी पापा तो तो होंगे बोले यस हम जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके करियर ओरिएंटेड है या आपके करियर से जुड़ा हुआ है तो रानू हम ये प्रेजेंटेशन जो है आपके मम्मी या पापा के साथ ही देख सकते हैं मतलब आप कोशिश करें कि उसका प्लान जो है वो मम्मी या पापा के साथ हो या उसके बड़े भाई के साथ हो या उसकी बहन के साथ हो होगा क्या कि जब रानू को उसकी बहन के साथ में या उसके भाई के साथ में या पापा मम्मी के साथ में अगर प्लान पूरा दिखाऊंगा तो आप यकीन करिए रानू की एंट्री बाद में आएगी पहले उनके परिवार वालों की एंट्री आ जाएगी अगर आपने प्लान को प्रॉपर वे से कर दिया तो दोस्त ये मैंने बहुत बार देखा है पहले मैं क्या करता था प्लान करता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को प्लान करता था जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं है अब चूंकि काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन अपना एक फीस लगता है वो फीस लेने के लिए शॉर्ट नॉलेज देता था तो मैंने क्या किया और कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला बोलता था नहीं मैं तो अकेले ही देखूंगा जी तो मैं मना कर देता था कि नहीं सर हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है हम दिखाएंगे क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है आपके करियर से जुड़ा हुआ काम है तो हम ये प्लान आपको आपके फैमिली के साथ ही दिखाएंगे साथ। तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेता था कि वो अपने फैमिली में किसी ना किसी को बिठाए ले आज एक बच्चे का स्कूल का एडमिशन या छोटी से छोटी चीज लेने के लिए माँ बाप उसके साथ में जाते हैं तो चूंकि ड्यू शॉप उसके करियर से जुड़ा हुआ काम है उसकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है उसकी स्किल को डेवलप करने का काम है दोस्त तो उसको उस तरीके से आप बात करेंगे तो अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई के साथ उसके गार्जियंस के साथ में जरूर बैठेगा तो एंट्री आपकी ज्यादा ही आएगी दोस्त और डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी दोस्त क्लियर ये चीज मैंने आपको कोशिश की बताने की लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉलोअप मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूं दोस्त मैंने डी शॉप में कैसे ज्वाइन किया मेरे को मेरा मेरा जो मेरा जो प्लान किया था वो मेरे कजन भाई ने किया था दोस्त मेरा कजन भाई बड़ा भाई है जो पॉलिटिक्स में थे, है, तो उन्होंने मुझे प्लान किया और मेरे को ना उन्होंने प्लान कैसे करवाया था जोर जबरदस्ती करके मतलब मैं किसी काम से जा रहा था और मुझे जबरदस्ती उन्होंने बिठा दिया वहां पे तो क्योंकि जबरदस्ती बिठाया था तो मेरे तो खोपड़ी के ऊपर ही होके गया सारा प्लान मुझे कुछ भी प्लान समझ में नहीं आया दोस्त कुछ भी प्लान समझ में नहीं आया राइट लेकिन चूंकि वो मेरे भाई थे मैं और दूसरी बात वो प्लान भी सुना था मेरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब शिवगंज से शुरू ही गया था कोर्ट के काम से और 40 किलोमीटर का डिफरेंट था वो बंदा मेरे को मेरे चूंकि वो प्लान करने के बाद मेरा कजन मेरे मौसी का लड़का वही रहते थे वो और मैं दुकान पे बैठता था सुबह स्कूल में पढ़ाता था और शाम को पापा की दुकान में बैठता था तो रोज मेरे घर पे वो फॉलो करने आता था दोस्तों और फॉलोअप करते करते मैं उसको क्या बोलता था करेंगे कल बताता हूं परसों बताता हूं ऐसा बोल के और यकीन करिए तीसरे चौथे दिन के अंदर मुझे प्लान भी समझ में नहीं आया था और मैं उसमें उसका जो पेमेंट देने का जो मेरा रीजन बना था वो रीजन एक था कि मेरे जो सीनियर थे मिस्टर मोहित खंडेलवाल टाइम पे उनकी पर्सनैलिटी देखकर ही मैं सोच गया था कि यार मैं इस शहर में रहता हूं पर ऐसी पूरे शहर में कहीं नहीं है इनके पास उस टाइम उनके टाइम्पे का लैपटॉप हुआ करता था तो मुझे लगता था यार इनके साथ रहूंगा तो मैं थोड़ा सा अपना नंबर बनाऊंगा मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी संगत करने के लिए कि ऐसे लोगों के साथ में जाऊंगा मैंने अपनी पेमेंट दे दी थी वो तो बाद में ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब आपने जो डी सॉप की टिकट खरीदी है तो बहुत बड़े जहाज की टिकट है तब मैंने उसको सीरियसली करना शुरू किया तो कहने का मतलब फॉलोअप से आपको दोबारा मिलना पड़ेगा लेकिन फॉलोअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त जो सामने वाले की ना फॉलोअप का देखिए मतलब क्या होता है मेरी भाषा में अगर मुझे पूछे कोई कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है तो मेरे लिए मेरी भाषा में फॉलोअप का मतलब एक ही होता है वह है उसकी पूछ में आग लगाना दोस्त दैट इज अ मीनिंग ऑफ फॉलोअप फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आप उसको कन्विंस करो तो कर ले अच्छा है तो कब करेगा हम जब फॉलोअप करने जाते तो ये पूछते ना तुझे कैसा लगा सामने वाला कहता मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो आपके पास कोई बात नहीं रही ये फॉलोअप नहीं है फॉलोअप का मतलब होता है दोस्त उसकी पूछ में आग लगाना मैं पांच से दस मिनट के अंदर ये बात करके अपनी बात को विराम दूंगा पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के लिए और यकीन करिए मैंने कई प्लान, प्लान, प्लान खत्म प्लान प्लान होने के बाद जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं वो प्लान खत्म होने के बाद बताता था मतलब फॉलो उसी टाइम पे तो लास्ट में एक ही काम बचता था उसकी पेमेंट को लेना तब कोई टाइम नहीं बचता था और उस टाइम पे तो इतना क्यू कोड सिस्टम था आज तो पेमेंट रिकवर करने का भी बहुत चांस हो गया तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्लान खत्म करने के बाद जब फॉलोअप करता था आप उसको तब भी करें और तब ना करें तो जब आप दूसरे दिन फॉलो अप करते हैं तब आप करने जाएं और याद रखना फॉलोअप होता है 24 से 48 घंटे के अंदर अगर मैं आपको पूछूं आपने चार दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी तो आपको याद नहीं होगा तो जब हमें खाया हुआ याद नहीं रहता तो सुना हुआ कैसे याद रहेगा आपने ड्यू सौ का प्लान करके उसको जो पूरा उसकी पूछ में आग लगाया है वो तो दो तीन दिन बुझ जाएगी उसकी तो आपको फॉलोअप चौबीस से अड़तालीस घंटे करना है और अगर प्लान वाकई में एक एनवायरमेंट के साथ और उसकी फैमिली भी बैठी हुई है चार पांच लोग बैठे हैं तो फॉलोअप आप प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डाले आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आएगा दोस्त तो। वो नहीं करेगा तो उसका एक एक ही रीजन हो सकता है कि वाकई में उसके पास पेमेंट नहीं है या वो कैसा जुगाड़ भी नहीं कर सकता लेकिन अगर तो वह चीज समझ में आ गई हंड्रेड परसेंट करेगा वो मैं आपको पांच से दस मिनट के अंदर बता के खत्म करता हूं फॉलो अप का मतलब जैसे मैं आपको बताया उसकी पूछ में आग लगाना तो मैं प्लान की बात कैसे करता था फॉलो मैं... मैंने रानू मेरे सामने मैंने रानू को पूरा प्लान दिखाया पूरा प्लान दिखाने के बाद में रानू को एक सवाल करता था रानू ऐसी कोई चीज प्लान खत्म होने के बाद में खत्म हो गया प्लान तो मैं रानू को एक चीज पूछता था रानू ऐसी कोई चीज जो तुझे समझ में नहीं आई हो तो बताओ तो रानू बोलता था समझ में आ गया मोस्टली लोग ये बोलते हैं समझ में आ गया तो मैं क्या रिप्लाई क्या देता था बिल्कुल इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है एजुकेशन अपनी जगह पे बिजनेस अपनी जगह पे है ठीक है तो फिर आप कब से शुरू करेंगे आप अपने पापा के नाम से करेंगे आपने खुद के नाम से करेंगे मैं सीधा मुद्दे पे आता था जब कह रहा है कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है सब कुछ है तो मैंने उसको इजी करके सीधा मुद्दे पे आया कि फिर आप, आप रजिस्ट्रेशन किसके नाम से करेंगे एडमिशन किसके नाम से करेंगे अपने खुद के नाम से करेंगे या फैमिली में किसी के नाम से तो आपको मोस्टली यहां पे क्या मिलता है मैं सोचता हूँ देखता हूँ पापा को पूछता हूँ मैं कल बताऊंगा आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज आते हैं मैं ही बात में बताऊंगा राइट तो मैं रानू क्योंकि अभी इस चीज को आप पूरा मतलब रट्टा ही मार लीजिएगा तो मैं उसको इजी करता कोई बात नहीं रानू आप अपने पापा से पूछना चाहते हो बिल्कुल पापा से बिना पूछे तो कोई काम करना भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं उसको जोड़ता था कि अब मैं उसको उसको मैं ऐसी बात करता था कि अब मैं तेरे को फ्री कर रहा हूं तो मैं लास्ट में उसको लिंक करता था कि ठीक है रानू कोई बात नहीं लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज क्लियर कर देता हूं इसमें ना डिसीजन वैल्यू बहुत ज्यादा वक्त रखता है डिसीजन वैल्यू तो कॉपी पेन पे उसको बताता था कि जैसे मान लीजिए मैंने पे पे मैं पे हूं और आप डिसीजन ले, ले लेते हो तो आपकी जगह फिक्स हो जाएगी ठीक है आपकी जगह फिक्स है. अब मेरे पास कोई भी अगला आएगा तो आने के चांसेस किधर होंगे आपकी टीम में राइट तो उसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन अगर आप सोचते में सोचता हूं तो आपके सोचते से ना तो मैं रुकने वाला हूं ना मेरी टीम रुकने वाली है आपकी जगह कोई और आ जाएगा आप लेट करोगे और नीचे और लेट करोगे और नीचे तो उसको डिफरेंस बता था कि एक दिन का भी डिफरेंस आपको एक साल बाद कहां लेके जा सकता है ये मैं उसको बताता था राइट और ये बताते ही सीधा उसको फॉलो अप पे कनेक्ट करता था दोस्त कैसे तो डिफरेंस बता दिया ठीक है और मैं लास्ट को बो... और इसको मैं देखिए कैसे जोड़ रहा हूं उसके साथ में कि आप जितना जल्दी डिसाइड करेंगे रानू ठीक है उतने आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है तो एक ही चीज मैं आपको रानू बताना चाहूंगा ये आ गया कनेक्ट किया मैंने कि एक ही चीज बताना चाहूंगा रानू कि मैंने आपको अभी तक जो भी चीज दिखाई है ना ये बात एजुकेशन की नहीं है रानू बात यहां पे बिजनेस करने की भी नहीं है रानो बात यहां पे डायरेक्ट सेलिंग की भी नहीं है रानो सीधा उसकी आंखों में आके डालकर बात करता हूं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको लास्ट में इसको आपने कनेक्ट किया कि ये सब कुछ क्लियर करने के बाद में कि रानो मैं मतलब आप जल्दी डिसीजन लीजिएगा क्योंकि एक चीज ही बताऊंगा रानो आपको कि बात यहां पर एजुकेशन की नहीं है और याद रखना दोस्त उस टाइम पे आप एक तरीके से डॉक्टर बन जाओ डॉक्टर कैसे डॉक्टर के पास में पर्ची होती है पेन होती है और लिखता है वो जो लिखता है जो आपको समझ में आता है नहीं आता कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन वो लिखता है आप भी उस टाइम पे डॉक्टर बनाओ सामने वाला ये समझो कि मरीज बैठा हुआ ठीक है तो मैं लिखते हुए उस पेपर पे क्योंकि प्लान कॉपी पे कर रहा हूं मैं वहीं पे देख बात एजुकेशन की नहीं है तो जो एजुकेशन लिखता था ना वो ई करके डॉक्टरी हैंड राइटिंग एजुकेशन की नहीं है बिजनेस की नहीं है क्या बात यहाँ पे कोई डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है बात सिर्फ कुछ और की चीजें दोस्त रानु बात इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं बात इसकी है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कैसे कनेक्ट किया कि आप डिसीजन लीजिए फिर मिलकर स्टार्ट करते हैं क्योंकि रानू बात यहां पे ना एजुकेशन की नहीं है बात यहां पे बिजनेस की नहीं है या बात डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है रानू बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं यह सवाल किया और दो सेकंड का पॉज ले लिया क्या फिर मैंने उसको पूछा रानू क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर जब आप ये सवाल किसी को करते हो ना कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं नाइनटी नाइन परसेंट लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता नहीं होता तो दो सेकंड का होल्ड करने के बाद मैं रानू को अपने साथ कनेक्ट कर लूंगा कि मैंने पूछा कि रानू हम हाँ हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं तो रानू आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं तो रानू हो गया साइलेंस तो मैं बोलूंगा रानू मैं आपको बताता हूं आप अपने ऊपर ले लो कि रानू मैं आपको बताता हूं कि मैंने ड्यूसॉट क्यों किया मैं आपको बताता हूं मैंने डी शॉप क्यों किया मैंने सारी जिंदगी अब मैंने अपने पांच सपनों को पेपर पे उसके सामने जैसे डॉक्टर दवाई लिख रहा होता है ना उसके सामने लिखना शुरू कर दिया कि मैं तुझे बताता रानो मैंने अपनी मैंने डी शॉप क्यों किया मैंने डी शॉप इसलिए किया कि मैं सारी जिंदगी मेरे माँ बाप किराए के मकान में रहे और तो मैं चाहता था कि उनको अपना बड़ा घर कैसे बना के दू तो मैं अपने घर बनाना चाह रहा था अब जब आप अपना अपना घर लिखते हैं ना लग्जरी घर या बड़ा घर तो पूरा हैंडराइटिंग जमाने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक इशारा दो उसको एच कर दो हाउस कर दो और डॉक्टर की तरह साइन कर दो कि मैं घर चाहता था दोस्त मैं मैंने मैंने इस सिस्टम के अंदर को इसलिए किया कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम चाहिए था दोस्त मैंने अपने पापा को पूरी जिंदगी भर सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह काम करते हुए देखा है मुझे वो जिंदगी नहीं जीना था मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था दोस्त इसलिए मैंने किया मैंने अपनी कार को लेने के लिए रूसॉप किया दोस्त मुझे पता है रानू कार एक टीम का डिब्बा है लेकिन जब उसके अंदर बैठते हैं ना और ए छोड़ते हैं ना तो लगता है कि हाँ स्वर्ग तो यही पे है मुझे भी अपने लिए एक लग्जरी कार चाहिए था मैंने इसलिए किया एक बढ़िया सी कार मुझे चाहिए मुझे चाहिए थी नाम चाहिए था और आज की डेट में नाम उसी का होता है जिसकी जेब में पैसा होता है दोस्त मुझे नाम बनाना था अपना अपने काम को बढ़ा करके नाम बनाना था मुझे सारी जिंदगी ये जो कॉमन मैन की तरह जिंदगी नहीं जीना था अपना नाम बनाना था मैंने इसलिए भी सॉल्व किया और मुझे पैसा पैसा कमाना था ऐसा पैसा कमाना था ना भी मैं जानता हूं कि पैसे की पावर कितनी बड़ी होती है मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था दोस्त ऐसे पांच सपने मैं उसके ऊपर लिखूंगा दोस्त अब चूंकि मैं सामने वाले का फॉलोअप कर रहा हूं जैसे रानू का फॉलोअप कर रहा हूं लेकिन इसका आगे बढ़ने से पहले मैं जूम के अंदर सवाल करना चाहता हूं कि जो भी मैंने अपना एक सवा... मैंने अपने सपने लिखे मेरे अपने सपने थे जिसकी वजह से मैंने किया क्या सवाल था कि मेरे अपना घर बनाना चाहता था चाहता चाहता था चाहता था टाइम फ्रीडम दुनिया घूमना था और पैसा कमाना था ये मेरे सपने थे जिसकी वजह से मैंने ड्यूसऑट किया मैं आप लोगों को भी ये सवाल करता हूं कि क्या आपके भी ये सपने हैं क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये हासिल करना चाहते हैं या ना मैं आपको जवाब नहीं देना है अपने दिल से पूछना है दोस्तों कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते है? अगर नहीं करना चाहते हैं तो बात खत्म लेकिन अगर करना चाहते हैं तो अपने दिल से दूसरा सवाल करना कि आज मैं जो नौकरी कर लू जो मिलती नहीं है या आज मैं दुकान चला लू या मैं कुछ दूसरा काम कर लू तो जो मैं अपने ये सपने देखना चाहता हूं अपने जो सपने पूरे करना चाहता हूं जो मुझे जिंदगी एक बार मिली है इसमें मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं क्या उस नौकरी में या उस दुकान में या वो काम जो मैं सोच रहा हूं उसमें अगर मैं पांच साल लगा दू तो क्या वो सपने में पूरे हासिल कर पाऊंगा आपको अपने दिल से पूछना है दोस्त किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अपने आप से पूछना है अगर आपको जवाब आता है कि मैं अपने सारे सपने पांच साल में उसको पूरा कर लूंगा तो दोस्त डी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका दिल कहता नहीं यार एक मौका मिला मुझे डी और मैं आपको पूछ आप अपने आप से पूछे कि एक मौका मेरी गलती से ही गलती से ही सही जिंदगी में, में मेरे डी आ गया अगर पांच साल लगा लगा लू पूरे मन से तो क्या पांच साल के अंदर वो जो सपने हैं जो मैं देखता हूं अपने वो पांच सपने क्या पूरे कर सकता हूं अगर आपके दिल से आवाज आए हां कर सकता हूं तो फिर इसको करने की जरूरत है दोस्त कहते हैं वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ और ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं वो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मैं रानू के सपनों को जगाना चाहता हूं तो मैं रानू के सपनों को तभी जगा पाऊंगा जब मेरे खुद के जगे हुए होंगे अगर फौरों का मतलब पूछ में आग लगाना होता है तो मैं रानू की पूछ में तभी आग लगा पाऊंगा जब मेरी पूछ में आग लगी हो हुई होगी अगर मेरी पूछ में आग लगी हुई नहीं है तो मैं रानू की पूछ में कैसे आग लगा सकता हूं तो आपको जब आपको पता होगा कि नहीं मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये सपने पूरे कर सकता हूं तो फिर आप जो है आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सकते हो दोस्त मैं रानू से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूं कि रानू मैंने ये मेरे पांच सपने थे जिसकी वजह से मैंने डिसोर्व किया तू पूछ आज जो तू नौकरी कर रहा अब वही सवाल अब मैं रानू को पूछूंगा कि मेरे ये पांच सपने थे रानु क्या तेरे ये पांच सपने हैं या नहीं है मुझे बता दे अगर नहीं है मुझे बता दे मैं कट कर, कर देता हूं तो रानू क्या करेगा कट कर, कर देगा नहीं वो कहेगा नहीं मैं भी हासिल करना चाहता हो सकता है वो एड कर ले उसके अंदर कि मेरे और भी कुछ सपने हैं तो जब मैं रानू कहेगा कि नहीं मैं पूरा हासिल करना चाहता हूं तो रानू से यही सवाल जो मैंने आप सबको किया रानू को भी पूछूंगा कि रानू जो तू नौकरी कर रहा है या जो नौकरी सोचने की कर रहा है उस नौकरी को तो पांच साल कर ले पूछ अपने दिल से क्या वो पूरे कर पाएगा रानु कहेगा नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज मैंने तुम्हें एक सिस्टम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर एक प्रोजेक्ट जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है एक आइडिया शेयर किया है तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों मिलकर तीन से चार सात जोर लगाए तो क्या सपने पूरे हो सकते हैं तो रानु क्या कहेगा यस हो सकते हैं आओ ने? मिलकर शुरू करते हैं यहां पे उसकी पूछ में आग लगी क्या रानू इससे पहले यह सोच रहा था कि व्यू सॉफ्ट तो पच्चीस सौ का चार हजार का चेक कमाने की कंपनी है लेकिन अब रानू को यह एहसास हो गया कि नहीं यार यार्यू सॉफ्ट एक बहुत बड़ा मौका है एक बहुत बड़ा जहाज है जो मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी में बदलाव लेके आ सकता है यह मैंने रानू को क्लियर किया अब रानू को पता चला कि ये एक सिस्टम क्योंकि आज की डेट के अंदर एक पान का गल्ला भी खोलना पड़ता है ना तो बंदा डेढ़ लाख रुपए इन्वेस्ट उधार लेके पान का गल्ला खोल लेता है और जो महीने का दस हजार पंद्रह हजार कमाता है तो जब उसको आप ये एहसास करवा दोगे कि भैया ये तेरी जिंदगी बदलने का मौका है तो अपने अपने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकता तो क्या वो अपना डी शॉप की फीस नहीं भर पाएगा दोस्त जब जरूरत ना होना तो बंदा एक रुपया भी नहीं देता है। जब उसको जरूरत महसूस नहीं होती और जब जरूरत महसूस होती है तो बंदा लाखों रुपए लाकर जुगाड़ करके डाल देता है क्योंकि उसको जरूरत महसूस होती है दोस्त मेरी बात को समझिएगा तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप उसको ये वाय क्लियर करें कि भाई साहब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जब आप उसको अपॉर्चुनिटी करके बताओगे उसकी वाई क्लियर करोगे तब वो आपके साथ में फिर उसके सवाल जवाब टाइम नहीं है पैसा नहीं है ये सब बात की बातें हो जाती है ये फिर एक्सक्यूज वो नहीं देता जब उसको पता चल जाता है कि ये मेरी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की आई होप कि आपको कहीं ना कहीं से एक आध पॉइंट भी आपको इसके अंदर बेहतर लगा है तो आप उसको जरूर एक बार इंप्लीमेंट करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं दोस्त मैं लास्ट में एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्त जिंदगी में मौका हमें एक ही बार मिलता है हमारी इतनी सी जिंदगी होती है उसमें से आधी जा चुकी है अब इतनी सी बची है समय कम और सपने बड़े बड़े हैं मुझे तेईस साल की उम्र में था जब मेरे जीवन के अंदर रिश्वत आया था यू ऑल आर वेरी वेरी लकी मैं बहुत सारे जब लोगों को देखता हूं मैं जंक्शन को मिलता हूं जिनकी एज अठारह साल की सत्रह साल की उन्नीस साल की और वो लोग वो बच्चे सपनों की बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है क्यों क्योंकि आदमी की जो कामयाबी है ना वो उसके उम्र से नहीं नापी जाती दोस्त उसकी सोच से नापी जाती है तो हमारे पास एक जीवन मिला है दोस्त और एक जीवन में हम बहुत लकी होते मैं मैं कई बार ना लोगों को बोलता हूं मैं ना एक, एक इंसान होता है लकी अनलकी मेरा मानना है कि एक वो इंसान बहुत अनलकी है बहुत अनलकी जिसने अभी तक डी का प्लान नहीं देखा दोस्तों डी सौ का प्लान देखा लेकिन ज्वाइन नहीं किया उससे भी बड़ा अनलकी और तीसरा मैं उसको लकी मानता हूं जिसने ड्यूसो का प्लान देखा ज्वाइन भी किया लेकिन कर नहीं पा रहा है दोस्त अपनी किसी अपनी किसी गलतियों की वजह से करनी पड़ता वो सबसे बड़ा है दोस्त वी ऑल आर वेरी लकी कि हमको ये चीज समझ में आई है दोस्त कहते हैं वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए सौ साल का समय लगता है जैतून का जो वृक्ष होता है ना बरगद का पेड़ बड़ा उसको सौ साल का लगता है और प्याज का पौधा नौ हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए सौ साल का समय लगता है जबकि प्याज का पौधा नौ हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है बहुत सारे लोग प्याज के पौधे की तरह एक नीरज जिंदगी जी के इस दुनिया से चले जाते हैं सुबह उठे रात को सोए चले गए सुबह उठे रात को सोए चले गए अभी मैं आज तक के अंदर एक न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर ये बताया गया कि जो आज के बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे जो ग्रेजुएशन कर दी है नौकरी नहीं है अगर उन, उनके ऊपर एक इंटरव्यू दिया गया मैं आज ग्रुप के अंदर उसको शेयर भी करूंगा वो वीडियो का पूरा ध्यान से सुनेगा दोस्त इतना बड़ा मार्केट है ड्यू सॉफ्टवेयर स्किल को लेकर उसमें ये सर्वे में बताया गया कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो ट्वेल्थ पास है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दूसरी किताबें जो होती है नाइन्थ की किताब वो पढ़ नहीं पा रहा है पढ़ता नहीं है इंग्लिश का लाइन नहीं पढ़ सकता और जो पढ़ सकता है उसको समझ नहीं सकता एट्टी नाइनटी परसेंट तक का रेश गया वो आज तक के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट का जो सीरियल था उसके अंदर देखा और उसमें यह बताया गया कि डिग्री करने के बाद आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है नौकरियां नहीं है तो उसमें बताया गया कि नौकरियां नहीं होने के पीछे एक ही कारण है उनके पास स्किल नहीं है दोस्तों और अगर उनके पास स्किल नहीं है तो दोस्त मैंने लोग कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बदलाव किया है नहीं दोस्त मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी स्किल को डेवलप किया अपने आप को कहते हैं कि अगर आप वही कर रहे हो जो सारी भीड़ कर रही है तो फिर आपको वही मिलेगा जो सारी भीड़ को मिलता लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हो जो भीड़ नहीं करती चंद लोग करते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो भीड़ को नहीं मिलता चंद लोगों को मिलता है आप चंद लोगों के अंदर मिलते हैं तो मैंने कहा था ना वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए सौ साल का समय लगता है जबकि प्याज का पौधा नौ हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है बहुत सारे लोग प्याज के पौधे की तरह एक नीरस जिंदगी लेके इस दुनिया से चले जाते हैं जबकि हम सब ड्यूसॉप्टियन एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो लाजवाब हो हम इस संसार में हारने के लिए तो नहीं आए दोस्त और ना ही हमारी नसों में हमारी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है और हम कोई भेड़ भी नहीं बकरिया भी नहीं तो कोई आकर हमको चरा के लेके जाए ना हम लोग एक शेर हैं और शेर की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्त कहते हैं फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानू जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं दोस्त तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं सारे सीनियर अप्लायंस का सारे मेंटर्स का स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग सर का ऋषि सर का माय ग्रेट अपलाइन गौरव सर हिदायत सर मेरे जो जिनको देख के मैंने जब मैं 2007 में जब ज्वाइन किया था तो जिनकी डीवीडी सुनकर मैं मोटिवेट होता स्पेशली थैंक्स कुमार रणविजय सर सुधांशु सर, सर, सर और मेरा अभी जब लास्ट मंथ में होकर आया था तमिलनाडु के अंदर वंडरफुल पर्सनैलिटी मैं तो वो कहते हैं जय कैलाश सर मैं बोलता हूँ जय रवि सर तो रवि सर स्पेशली सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवस एंड रिगार्ड्स नारिकोट सर आ, मैं जिनका जिनका मैं नाम याद कर पा रहा हूं सभी सभी का शुक्रिया चौधरी सर स, संजीव सर मैं आ, नाम लेना चाहूंगा मतलब सारे सीनियर अप्लायंस का जो है दीनानगर सर उनका भी स्पेशल थैंक्स सभी सीनियर सप्लाइन का और मेरे सारे लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा दोस्त इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है भगवान हाथों में सिर्फ लकीरें देता है लेकिन इसके अंदर रंग हम को भरना पड़ता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच